हुक्म में लिखा कि आज ये जो है रेफरेंस को दाखिल किया गया है रजिस्ट्रार की पड़ताल के बाद, और मुल्जमान को 23 तारीख के लिए, 20 को ये ऑर्डर कर रहे हैं, 23 तारीख को मुल्जमान के लिए तलब को तलब किया जाए, और उसके उसके बाद जो है इमरान 23 तारीख को शहबाज खोसा पेश हुआ है, मोहतरम इमरान खान साहब पेश हुए हैं, और बुशरा बीबी की जानिब से, और साथ ही उन्होंने जो है उसके बाद फर्द जुर्म की तारीख दे दी। हालांकि हमने दरख्वास्त दी कि जनाब ये नकूल जो आपने फराम, पहले तो 94 की एप्लीकेशन दी कि जब से पाकिस्तान बना है ये मंगवाएं ज़रा के तोशा खाना से, कितने सदूर ने, कितने वज़राए आज़म ने और कितने गवर्नर्स या दीगर अकाबरीन हैं, उन्होंने तहाइफ तोशा खाने से, कौन कौन से तहाइफ और किस किस मुल्क के तहाइफ जो है उन्होंने वो इसी अंदाज से लिए, और फिर उनकी फैमिली ने कितने इसमें से लिए, उनके बच्चों ने कितने इसमें से लिए, और वो जो है उसका तखमीना लगाने का क्या जो है एक कानून और जाब्ता और रिवाज चलता रहा है कि क्या वो 25% दे के ले जा सकते हैं, 50% दे के ले जा सकते हैं, क्योंकि यानी 47 से लेकर अब पहली मर्तबा किसी ने जो वजीर आजम ने तोशे खाना से कोई गिफ्ट कानून और जाब्ते के मुताबिक लिया है उनको, इमरान खान को तो आपने मुल्जिम बना दिया, और जो बकिया है जो माशाल्लाह बुजराए आजम है और जो सदूर हैं और जो दीगर अकाबरीन हैं जो इतने ज्यादा तहाइफ लेते रहे हैं, क्या उनके लिए कोई दोहरा कानून है, दोहरा मयार है, उनके लिए किसी और जाब्ता के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई या सर से होनी ही नहीं है। तो इसलिए वो हमने दफा 94 की जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला था जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी साल में दिया था, वो रिपोर्टेड है 2023 के सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू जर्नल में, वो भी हमने उसका पेश की नज़ीर, और उसमें बड़ा वाज़े था कि अगर कोई ऐसी दरख्वास्त होती है तो अगर वो अदालत समझती है कि ये जो है चीज़ें मंगवाना या कागजात मंगवाना या दस्तावेजात मंगवाना ये इस केस के मुतालिक भी असरअंदाजी हो सकती है तो उनको फौरन ज़रूर मंगवाया जाए। तो वो मैंने दरख्वास्त दी कि इसको जनाब जस्टिस नहीं जज मोहम्मद बशीर साहब को, फिर भी मैंने उन्होंने बजाय इसके कि उसकी करते फिर भी उन्होंने थमा दिया हमें रेफरेंस, चले रेफरेंस हमने ले लिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। फिर इन्होंने फर्द जुर्म ज़ोर से लगा दिया, फर्द जुर्म नहीं लग सकता जब तक कि आपको नकूल फराम ना हो और जब तक ये मुदा, लगता है कि चूंकि मार्च में उनकी रिटायरमेंट हो रही है उनसे ये काम लेना मकसूद था कि ये तुमने फैसला ज़रूर सजा करके जाना है। तो बारगैफ ये जिस तरह से फिर मैंने उनको तारीखें जज साहब को सुनाई कि रोज़ हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक हमें इस केस में बिठाया जाता है और जेल की जो है यखबस्ता अदालत में जहाँ ठिठर रहे होते हैं हम, और इस हद तक कि हम बीमार तक हो गए हैं और खांसी नज़ला ज़ुकाम जान ही नहीं छोड़ रही है, तो उसके बावजूद जो है जज साहब चला रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये उनका फैसले जब मैंने डिवीजन बेंच का खुद पढ़ा तो उन्होंने कहा ये कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि ये जो जाब्ता उन्होंने तैयार उस केस में दिया, कानून जो उस केस में कानून दिया उसमें ये था कि 352 जाब्ता फौजदारी जो है CRPC उसके तहत अदालत तयन करती है या मैजिस्ट्रेट तयन करता है कि क्या मुल्ज़िम को ख़तरा है, गवाहों को ख़तरा है, अदालत को ख़तरा है, प्रोसिक्यूशन को ख़तरा है, किस चीज़ के लिए जो है इसको जेल ट्रायल करना जो है ज़रूरी समझते हैं। तो वो अदालत इस चीज़ का तयन करके अदालत की तरफ से इस्तदा जाती है वफाकी हुकूमत को या सूबाई जिस तरह का भी केस हो, वो अदालत इस्तदा करती है और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उस पर अपना गौर व खौज के बाद अगर जेल ट्रायल मकसूद हो तो करना का नोटिफिकेशन या हुक्म हो सकता है। उसमें भी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है
वो कहते हैं कि वो फिर भी ओपन ट्रायल होगा, खुला ट्रायल होगा, उसमें रसाई होगी मुलजिम को, उसके रिश्तेदारों को, उसके वकला को, आम पब्लिक को, मीडिया को। ओपन कोर्ट का मकसद जो है खुलेआम हो, क्योंकि इंसाफ न सिर्फ किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए नजर आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो ये एक बुनियादी असूल है जिस पर उन्होंने पहले फैसला दिया था, और आज उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जनाब माशाल्लाह आपकी ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है या लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने आपके फैसले को पढ़ने तक गवारा नहीं किया, पढ़ना भी गवारा नहीं किया। काश कि ये पढ़ लेते, इसलिए कि इसमें यानी जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन पहले कर दिया है, 1 महीने के बाद अदालत में रेफरेंस जा रहा है। तो अदालत की तरफ से तो कोई इस्तदा की ही नहीं गई है सिरे से कि ये जो है केस जो है इसको बावजूद फला 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 के इसको जेल ट्रायल किया जाए, ये इसका ओपन ट्रायल यानी आम अदालत में ट्रायल मुमकिन नहीं है। सो उन्होंने कहा, मैंने कहा जनाब ये देख ले, आपके ये फैसले में बड़ा वाजे तौर पर मुंजबित किया गया है, जिसका शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने 11 को दिया था और 21 को जो है वो डिटेल्ड जजमेंट भी आ गई थी, वो हमने लगाई हुई थी साथ। तो उनके उसके पढ़ने के बाद उन्होंने यही कहा कि बहस हमारी हो गई भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऑर्डर्स के लिए। और दूसरी बात एक इसमें यह भी थी कि मोहतरम बशीर साहब का 1921 का, सॉरी 2021 का उनका एक नोटिफिकेशन किया गया था सदर पाकिस्तान की जानिब से, उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज ऑन डेपोटेशन लिया गया था, ऑन डेपोटेशन 2021 से। और उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि ये या 3 साल के लिए या सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट जो भी पहले आए। तो मौसूफ रिटायर हो रहे हैं मार्च 2024 में, मार्च 2024 में। तो गालिबन वफाकी हुकूमत ने या जो भी माशाल्लाह अकाबरीन वक्त हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान को जल्दी जल्दी जो है सजाएं की जाएं, इमरान खान को जल्दी जल्दी जो है इस सियासत के उफक से जो है वो मुनहदम किया जाए, और उनकी पार्टी को जिस तरह से तितर बितर करके बखेर दिया गया है, तो उसी के लंदन प्लान के जो है ने जो इसकी तकमील और तरसील में इसका ये भी शायद मकसूद था कि इनसे ये काम लेना है। तो मैंने ये भी अर्ज किया कि जनाब इनकी तैनाती ये 22 में, 2022 में कानून ये बदल गया, और 5A जो नैब ऑर्डिनेंस में आया जिसका इतलाक पीछे से किया गया, उसमें वफाकी हकूमत जो है तैनात कर सकती है, और वफाकी हकूमत मुस्तफा इम्पैक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट उसकी तारीफ कर चुकी कि उसमें काबीना और प्राइम मिनिस्टर होगा। तो काबीना और प्राइम मिनिस्टर ने मौसूफ की कभी तैनाती का कोई नोटिफिकेशन, कोई हुक्म जारी नहीं किया, और वो सुपरसीड कर जाता है सदर के उस नोटिफिकेशन को, इसलिए उनकी तैनाती भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। इसलिए वो जो भी कर रहे हैं समाज वो कानून के मुताबिक ना है, और जो कुछ इन्होंने किया है वो भी इस लायक और इस काबिल नहीं है, वो हजफ किया जाए वो सारा। तो बहस सुनने के बाद बार के अभी देखें फैसला इंशाल्लाह। सुना जिस तरह हालात को अगर देखा जाए तो खान साहब जेल के अंदर ही होंगे इलेक्शन में। सर इलेक्शन जब हो जाए तो उसके बाद कितने अरसे तक खान साहब जेल के अंदर रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन तक अंदर रहेंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप देखें इलेक्शन से पहले ही खान साहब बाहर आ जाएंगे। हमने इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में की है, जो मैंने कन्विक्शन जो तोशा खाने के पहले केस में जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो इस्लामाबाद की इस्तगासे पर कंप्लेंट पर जो उनको 3 साल सजा हुई थी, सजा मुअत्तल कर दी गई थी, कन्विक्शन सहमन रह गई थी, तो मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा नालिश कर रखी है। और कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की बेंच में मैंने इस्तदा की कि इसको लगाया जाए, क्योंकि इससे खान साहब का जो है ये सियासी सफर जो है वो काफी उसमें रुकावट आ रही है, इंशाल्लाह वो हो जाएगी। तो तोशा खाना और अलकादर में मैंने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल कर रखी है, मुझे उम्मीद
کبھی واثق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور یہ جس دن خان باہر آیا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹائیگر ٹائیگریسز پاکستان کی عوام ہے جس والہانہ محبت اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور الیکشن میں جا کر ووٹ دیں گی, آپ کی سوچ ہے.